है कि वो क्योंकि डिफरेंट चैनल्स के लिए बच्चों की प्रोग्रामिंग करती थी, तो मुझे खुशी होती थी कि कोई है जो बच्चों से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स कर रहा है। अच्छा, सब ड्रामे बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, टेलीफिल्म बना रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, देखो मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं तो चाहता हूँ मेरे 10-20 बच्चे हों। माशाल्लाह, अच्छा ये फरमाइश कर चुके हैं आप उनसे? 10-20 बच्चे हैं? कसम से, क्या बात है। मगर मतलब मेरे बच्चों से मिलो ना, आपके बाल क्यों नहीं उतरे अब तक? मेरे ने कुछ मारा मेरे, नहीं ऊपर? मेरे बच्चों से मिलो तो वो कहेंगे इज नॉट अ डैड, इज अ फ्रेंड। वो ठीक है, मैं उनसे भी कहूंगा देखो इजंट शी नाइस, तो वो कहेंगे बाबा नो शी इज नॉट नाइस, द अदर वन इज बेटर। मैं कहूंगा अच्छा रियली, माशाल्लाह क्या क्या कम्युनिकेशन होती है अब्बा बेटे की। वैसे आपस की बात है, हम लोग भी यही बात कर रहे थे। उनसे पूछो तो कहेंगे नो, उसे को ना कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर डैड, ओके का हु आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। मैं और शाफे खड़े हैं बुक स्टॉल में, मैंने सैनिकम आपका भाई बहुत, तो शाफे कहते यू कर लेगा ना, मैं कहा खबरदार बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारी अम्मा भाई ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शहनाज जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहनाज साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, तुम आप सुनाए शायस्ता कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का बहुत शुक्र, नुमान आपसे बात करने को बेचैन है जी। पहचाना आपने शहनाज लोधी? बिल्कुल, मैं आपको नहीं पहचानूंगी मिस लोधी, आपको आपका लोधी नाम सुन के तो बहुत कुछ याद आया। कल 25 दिसंबर है। जी 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 हाँ, शायस्ता कल जो मतलब ये मसीही बरादरी का जो प्रोग्राम कल 25 दिसंबर के हवाले से, मेरे एक दोस्त हैं तस्नीम गिल। अच्छा, तो मैं उनको हैप्पी क्रिसमस डे मैं आपके तरह आपके तवस्सुल से कहूंगी। बिल्कुल जरूर, और हमारा बरादरियों को भी कहूंगी। आज मैंने प्रोग्राम की बात ये कि नुमान साहब बैठे हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है नुमान साहब। चले कोई बात है, दिल छोटा ना करें, दो शादियों में तीसरी भी हो जाएगी, चौथी भी हो जाएगी। अरे हो चुकी है भाई, हो चुकी है तीसरी। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, दो शादियां जो भी उसी से थोड़ा सा सबक लीजिए। जी मैं एक्चुअली प्रोटीन डाइट पे होता हूँ अक्सर, तो उसमें मेरा भी कसूर नहीं है। कुर्बान मुझे आपका जो एक्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत अब आपका पसंद आ रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बेवकूफ से पप्पू से बने हुए हैं आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंदर से मैं वैसा ही हूँ बेसिकली, अंदर बाहर से ये बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग होते हैं सच्चे होते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पप्पू जो बने हुए ना, पप्पू वाली टर्म अजीब सी होती है ना, पप्पू मत बनो यार, पप्पू मत बनो। अच्छा नुमान ये बताएं कि अगर नुमान ने प्रोडक्शन भी नहीं करनी कभी, एक्टिंग कब दिल नहीं उतार जाता, बस बहुत हो गया शोबिज, बहुत हो गया शोबिज, क्या करोगे फिर? नहीं शायद मेरा दिल ये चाहता है कि कभी कभी दिल चाहता है, मैं इन सबसे कहता हूँ चलो लेट्स गो टू इंग्लैंड। England is the only place which I believe I can settle down after leaving Pakistan. Achha. That is the only place. अच्छा क्यों? मुझे इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड जाके मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमारा ही है, हम ही हैं वहाँ पे सारे। क्यों? हाँ, पाकिस्तान कहीं चले जाओ, साउथ हॉल में जाओ वहाँ पे सिख हैं, ब्रेडफोर्ड में जाओ वहाँ पे सब मीरपुर के लोग हैं, आप मैनचेस्टर जाओ वहाँ गुजरात के लोग हैं, किसी एरिया में आप चले जाओ तो यू वुड बम्प इनटू लॉट ऑफ पाकिस्तानी। ठीक है, और वहाँ पे क्योंकि मैं रहा भी हुआ, मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई, जीसीएसई ए लेवल, तो मुझे वो जगह ज्यादा वो एक तरह की अपील करती है, क्योंकि वही टाइम होता है जब आपकी दोस्तियाँ हो रही होती हैं। बल्कि जब मैं इंग्लैंड से आ रहा था मैं बहुत रोता हुआ आया था। अच्छा, कि मैं क्यों जा रहा हूँ? कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अब्बू मरियम मम्मी दे वांटेड टू कम बैक, नहीं अब हम वापस चलते हैं। मैं रो रहा था क्योंकि मेरे अभी तो दोस्त बने थे। हाँ, वो होता ही है ना, पढ़ने के लिए आप जाए ना तो आप बच्चा जाता है और उसके बाद थोड़ा सा सेटल होता है। अभी तो मुझे पता चला था कि हो रहे क्या होती। अच्छा, वो कह रही है अपने आप को कंट्रोल करें, प्रोटीन डाइट। हाँ, मैं ये नुमान से पूछ रही थी, नुमान पिछले दिनों में काफी वेट गेन किया। ये दो दफा मेरा सूट ऑल्टर हो चुका है। ऑल्टर हो चुका है जब इंग्लैंड से लेके आया था अपने सूट, क्योंकि कपड़ों का मुझे शौक है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। प्लीज बताएं। लाखों रुपए के तो नहीं लेता मगर फिर भी थोड़े थोड़े कर लेता हूँ, तो वो फेंक नहीं सकता मैं, तो इसलिए मैंने फटाफट सारे ऑल्टर करा रहा हूँ ताकि फिर मुझे शर्म आए क्या मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूंगा अगर मोटा अब हो गया। इसी में फिट होना पड़ेगा, इसी में फिट होना पड़ेगा। तो हल्का सा भी जो होता है ना, ये मेरा कोट तो उठता है ना। पता है एक टिप है दुबला होने की, कि आपको ये ट्रिगर होती है ना किसी चीज की, आप देखें आप अगर जाएं और आपको आता है स्मॉल साइज और आप लें एक्स्ट्रा स्मॉल, नहीं मैं 2 महीने बाद इसी में स्लिप इन होंगी एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो वो फिर करने का आपका दिल भी चाहता है। कहते हैं लोग ये एक गुर है। एक कॉल लेते हैं नाजिया की। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। नादिया, नादिया, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपसे तो बहुत सारी शिकायत है। हुए 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 हुए, बताओ किससे शिकायत? सबसे पहले तो वो आप डॉक्टर शायद आए थे तो आपने कहा था ना मुझे, हाँ
वो अभी तक मुझे कोई उधर से मैसेज नहीं आया। अच्छा नहीं, मैंने क्या कहा था, क्या कि आपका उसमें वो दे रहे थे ना फ्री सर्विस, हमने दिए बहुत सारे दिए, तुम कैसे मिस हो गई? मैंने तो इतने दिए कि मुझे लगने लगा मैं डॉक्टर स्टार की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आई थिंक सो आई एम थर्ड या फोर्थ कॉलर। अच्छा तो ऐसा करो, मास्टर कंट्रोल रूम में अपना नंबर लिखवाओ, मैं तुम्हें आज ही वो जो कार्ड है उनका भिजवा दूंगी, ठीक है? अच्छा, और क्या शिकायत नंबर दो? शिकायत नंबर दो, आपका नंबर मिलता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। हाय हाय हाय, गलती से उठा लिया, इतनी बुरी मैं। अच्छा नंबर तीन? नंबर तीन, आप बच्चों के लिए तो कुछ करें ना, वेकेशन शुरू हो गई है, आपने वो समर वेकेशन का किया, विंटर वेकेशन का भी कुछ करें ना। अच्छा चलो, अब नुमान से बात करोगी अभी और शिकायत? बिल्कुल नहीं, नुमान भाई से भी बात करूंगी। हाँ, उनसे तो मैं पर्सनल मिली भी हूँ आगा खान में। आगा खान में? खैरियत है नुमान? आगा खान हॉस्पिटल में डॉक्टर जहाँ आरा पॉल के पास? नहीं जी, मैं अभी मिसेस के साथ आया था, मुझे गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो क्योंकि सबको पता है जहाँ आरा पॉल जो है वो गायनी की डॉक्टर करवाया था, इसलिए सॉरी, लेकिन आप वाकई जैसे दिखते हैं ना वैसे ही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ऐसा होता है तुम्हारे प्रोग्राम में, एक तो अच्छी बात है, मैं बैठा हूँ क्या नहीं सुनो, ऐसा होता है तुम्हारे साथ में, कभी ट्रेवल कर रहे हो तो चेहरा देख के भी आखिरी एन वक्त पे पहुँचते हैं लोग, फिर भी फ्लाइट क्लोज हो चुकी होती है, फिर भी बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है। अच्छा मैं सिस्टमैटिक हूँ बहुत। नहीं नहीं, अच्छा फेवर नहीं मिल जाती एक्टर होने की? फेवर ये होती है कि जब आप काउंटर पे जाते हो तो आपको अच्छी सीट मिल जाती है। क्योंकि पहले होता था आपको अपग्रेड भी कर देते थे। हाँ। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, हाँ। बहुत कम होता है। हाँ। कि कहीं बहुत ज्यादा, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सुना। हाँ। कि तुम किसी फ्लाइट में थी और तुम्हारा इकोनॉमी का टिकट था। हाँ। और पायलट ने कहा डॉक्टर शाइस्ता आई हुई है तो इनको तो नहीं फर्स्ट क्लास में लंबी लंबी छोड़े तो मुझे डरा रहे, इसलिए तो एयरलाइन का नाम ही ले रहा है ना, वरना वो सू कर देंगे उस पायलट को। नहीं लेकिन पता है कॉकपिट में बिठा लिया था मैंने, कोई नहीं मैं बिजनेस में ट्रेवल। चलो मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्लास तक लेके गया, तुम तो कॉकपिट में बैठ गई। सच्ची मुच्ची तो तीन पायलट थे, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने बेचारों ने अंदर बुला लिया, फिर मैंने देखा कि होराइजंस कैसे पार करते हैं यार, एक्सपीरियंस था वो। मतलब गरम गरम लाके रोसेस दे रही थी। ये तो है कि बीइंग पार्ट ऑफ द होल पाकिस्तान फैमिली, हमें ये कह के कभी हम डॉक्टर बन जाते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं, कभी हम इंजीनियर बन जाते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये है कि हमारी छोटी 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 ख्वाहिशात सारी पूरी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच नुमान। खत्म प्रोग्राम? हाँ प्रोग्राम। ना करो यार, मुझे कहा था 2 बजे तक आप इधर ही हैं। क्या कह रहे समरीन, अपने इधर आओ, यहाँ इस कैमरे पे समरीन, अपने मियाँ को लेके जाओ। क्या क्या कह रहे हो उल्टा उल्टा? मुझे जवेरिया की बात इतनी अच्छी लगती है, जवेरिया वासी की, वो कहती है इसकी बीवी ने इसे हम पे छोड़ा हुआ है। जवेरिया, आई लव यू, इतनी प्यारी बात की है तुमने। वो कहती है इसकी बीवी ने इसे हम पे छोड़ा हुआ है। हम एक नंबर का बंदा है, यही सब ब्रेक ले रहे हैं। खुदा हाफिज़ टाटा, बाय बाय, कल का प्रोग्राम। देखो तुम्हारा भी दिल नहीं चाह रहा ब्लेक। खुदा का खौफ कर दे, नमाज़ अल्लाह का वास्ता आज भाई, हम यही कल का प्रोग्राम जरूर देखेगा, 25 दिसंबर का प्रोग्राम स्पेशल है आपके लिए। प्लीज जरूर देखें। और जवेरिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और समरीन आओ, अपने मियाँ को लेके जाओ, बाय बाय टाटा। मेरे लिए 25 दिसंबर की जो असल अहमियत है वो क्रिसमस डे की अहमियत है। मोहम्मद अली जिना, मैं उनके लिए कायदे आजम का लफ्ज़ मैं नहीं लिखता। कायदे आजम को कुछ जमहूरियत ज्यादा नहीं पसंद था। आपको पता है कि आप ये प्रोग्राम में आज कह के कितनी कंट्रोवर्सी को अपने लिए जन्म दे सकते? लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, खुद वो गवर्नर जनरल बन गए। आप कहते हैं टू नेशन थ्योरी जो थी वो गलत थी। कसरे नफसी नहीं, आई एम टू ब्रेव। पाकिस्तान क्या है? एक अधूरा मुल्क है। इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था कि हम मस्जिदों के बाहर गनमैन खड़े करेंगे नमाज पढ़ने के लिए। इसको वतन बनाना अपने कमजोर का मुहावरा।